अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। आज हम एक ज़बरदस्त वेट लॉस के लिए चटनी बनाने जा रहे हैं और सीज़न का फल है फालसा। तो वेलकम टू लाइफ विद दुआ खान, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फालसा यूज़ करेंगे हम इसमें, अनारदाना यूज़ करेंगे, ज़ीरा, अजवाइन, लहसुन और पुदीने के फ्रेश पत्ते। ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सेम क्वांटिटी में ही इसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, फालसा आपने एक पाव लेना है, अनारदाना एक पाव लेना है, अजवाइन आपने आधी छटाक लेना है, ज़ीरा आपने आधी छटाक लेना है। ठीक है, और पुदीने के फ्रेश पत्ते आपने तकरीबन आधा पाव लेना है और लहसुन भी तकरीबन आपने एक छटाक लेनी है। ठीक है, क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस चटनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं आप लोग को बताती चलूँ। इसमें फालसे की मैं आप लोगों को बता दूँ जो फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको जो है गर्मी में जो आजकल लू चल रही है उससे, हीट स्ट्रोक से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा अनारदाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पुदीने के आपको पता है हाजमे में मदद करती है, गैस वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। अजवाइन भी आपको पता है गैस और मैदे इन तमाम बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। ज़ीरा वेट लॉस करने के लिए 50% तक जो है वो काम करती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ीरा के फ़वाद हैं वेट लॉस के लिए। ठीक है, और लहसुन के भी बहुत ज़्यादा फ़वाद है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मज़ीद अगर आप इनके फ़ायदे जानना चाहते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करके एक चटनी बना रहे हैं तो यकीनन आपको ये वेट लॉस में मदद करेगी और यकीनन आपको ये 10 बीमारियों से बचाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आप जो है वो दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, गैस और इसके अलावा और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने चलूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो में जो है ना वो चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, मज़ीद डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से बीमारियाँ हैं जिसमें आप इस चटनी आपको ये फ़ायदा दे सकती है। और वेट लॉस के लिए बेसिकली हम ये चटनी तैयार कर रहे हैं और सीज़न का पहले फालसा मेन इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो ग्राइंडर के अंदर जो है वो ग्राइंडर के अंदर ले लेंगे हम अनारदाने। ठीक है, और क्वांटिटी और फ़ायदे सब चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी और एक लिंक शेयर करूंगी जहां पे जाके आप लोग ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स में जो है वो ऐड कर लेंगे। फालसा भी ऐड कर लिया हमने और फालसा ऐड करने के बाद इसमें हम ज़ीरा और अजवाइन, लहसुन, पुदीने के फ्रेश पत्ते, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके इसमें जो है वो इसको सिर्फ जस्ट 2 मिनट आपको लगेंगे, आप इसको ग्राइंड कर लेंगे और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बारी बारी हम शामिल कर लेंगे और आपको 2 मिनट लगेंगे, जस्ट आपने इसको ग्राइंड करना है, आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। पुदीने के फ्रेश पत्ते हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, और इसको हम जो है वो ग्राइंड करने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा बना के रख लें, क्योंकि फालसा सीज़न में होता है, फिर आपको मुश्किल से मिलता है, मिल तो वैसे जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किलों से मिलता है। ठीक है, तो अभी आप इसको सीज़न में है तो आप इसको जो है वो ग्राइंड करके रख लें। तो इनको हम बारी बारी सारा हमने ऐड कर लिया, अब इसको ग्राइंड करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बगैर जो है वो इसका पेस्ट बनेगा नहीं। हमने बिल्कुल इसको टोमेटो पेस्ट की तरह से जो है वो इन तमाम इंग्रेडिएंट का पेस्ट बनाना है। ठीक है, इसको फिर आप क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लें और सारा साल भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 क्यूब्स आप निकालें, मेल्ट करें और यूज़ कर लें। अब इसको इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा जितनी हमें ज़रूरत होगी, और पानी ऐड करते जाएंगे, इस तरह से इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड कर करके। ठीक है, और जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो हम इसको जो है वो इसके क्यूब्स बना के इसको फ्रीज़ कर लेंगे ताकि ख़राब ना हो। आप क्यूब्स बना लेंगे तो बड़े जल्दी इजी हो जाएगा, आप रोज़ाना खाने के साथ, खाने के बाद आप इसको जो है 1 क्यूब्स निकाल कर इसको जो है वो मेल्ट कर लें और 1 चम्मच आपने रोज़ खाना है। देख लें कितना ज़बरदस्त था, बिल्कुल टोमेटो केचप जैसा आपने इसको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, इस तरह से
तो ये नहायत ही फ़ायदेमंद ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है, ठीक है। और आपने इसको खाने के साथ रोज़ाना आप इसको एक चम्मच यूज़ करें, आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। वज़न कम करने के साथ साथ आप इससे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो और दवाइयों से आपकी जान छूट सकती है, शुगर कंट्रोल करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो आपको अपडेट मिल जाएगी।